So, dear students, in this lecture we will discuss about some familiarization with the AYUSH guideline and CDSCO guidelines, that is especially mentioned some protocols for clinical research as well as in the safety aspect while we are doing clinical as well as the in vivo research. In my previous lecture, I gave you information regarding some protocol to assess acute, subchronic toxicity studies. And I left my last lecture here in the clinical chemistry, means in this point I was describing about when we are going to look on subacute or subchronic toxicity studies, we need to check some more things, and I stopped my last lecture there. Now I am going to continue it again. In my previous lecture, at last point, I inform you about the repeated dose toxicity. And I told you that about the protocols, which included animal species, sex, number of animal, route of administration, what would be the dosage label, and what should be the recovery process, and to check on the observation that after a certain interval, so that we could include or we could report it, these observation into our final report. So that was first was the general sign, means in this case hame kya karna hai ki observe karna hai jis jo mice hai, jo rat hai, rodents hai, unko upar jis bhi substance ya jis bhi drug ko humne testing ke liye use kiya hai, uske baad ek limited time periods ke andar एक स्पेसिफिक इंटरवल पीरियड टाइम के बाद जब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो ऑब्जर्व करने तो जनरल साइल ऑब्जर्व करने हैं। मैं लास्ट स्लाइड में आपको लास्ट प्रेजेंटेशन में आपको इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ। बॉडी वेट के बारे में कंक्लूड करना, बॉडी वेट एक ऐसा मैटर है, आप एक इस चीज़ को ऐसे समझिए कि वाई वी शुड नीड टू चेक अबाउट द बॉडी वेट। ऐसा कहा जाता है आमतौर पर कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कोई पर्सन अगर स्वस्थ नहीं है और उसका बॉडी वेट चेक कीजिए, तो जब वो पर्सन हेल्दी था उसका बॉडी वेट तब, और जब वो पर्सन सिक है बॉडी तब का बॉडी वेट, दोनों के अंदर अंतर होता है। मीन्स जब पर्सन सिक होता है, बीमार होता है, उसका बॉडी वेट कम हो जाता है। जब पर्सन प्रसन्न है, खुश है, तो ऑटोमेटिकली उसका बॉडी वेट बढ़ता है। जनरली ये चीज़ मानी जाती है। तो बॉडी वेट एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है टॉक्सिसिटी स्टडी के अंदर। इसके अंदर हम ऐसा समझिए कि मान लीजिए अगर हमें ऑब्जर्वेशन वे के अंदर चेक करना है कि कोई भी मेडिसिन उसने टॉक्सिसिटी शो करी या नहीं करी, आप बॉडी वेट से भी आइडिया ले सकते हैं। जब हम अपना ट्रीटमेंट प्रारंभ कर रहे हैं, उस समय उसको उसका वेट चेक किया जाए उससे पहले, और उसके जो लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद हम बॉडी वेट चेक करें। अगर बॉडी वेट कम आ रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि जो मेडिकेशन है वो अपना कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी इफेक्ट उसके ऊपर शो कर रही है। अगर बॉडी वेट बढ़ रहा है, तो सामान्य तौर पे समझा जाता है कि ये टॉक्सिसिटी इफेक्ट ज़्यादा शो नहीं कर रही। फूड इनटेक के बारे में कहा गया कि जो फूड इनटेक लिया जा रहा है उसको भी एक बारी वीक में चेक करना चाहिए जब ड्रग दी जा रही है उससे पहले। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो आप फूड ले रहे हैं, जब तक कि आपका कंप्लीट एक्सपेरिमेंट फिनिश ना हो जाए, तब तक के आप उस जो फूड ले रहे हैं उसके सैंपल को भी अपने पास रखेंगे।
अगर हम क्लिनिकल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो क्लिनिकलॉजिकल स्टडीज है जैसे क्वालिटेटिव यूरिनोलिसिस के आप कलर ग्लूकोज प्रोटीन बाइल पिगमेंट यूरोबिलिनोजन ओकल्ट ब्लड आदि अदर टेस्टिंग को आप देख रहे हैं फिक्स एनिमल के अंदर, तो इसकी रूटीनली रैंडमली जो यूरिन सैंपल है उनके अंदर इन सब चीज़ों को आप चेक कर रहे हैं। उसके बाद आप ब्लड बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं जो डिफरेंट टेस्टिंग है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक टेस्टिंग को आप ब्लड केमिस्ट्री के थ्रू चेक करेंगे, जैसे एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज, व्हाट इज़ द लिपिड प्रोफाइल, लिवर और किडनी के जो फंक्शनल टेस्ट है इलेक्ट्रोसाइट के साथ उसको, कब, जब विद इन द 48 आवर ऑफ द लास्ट एक्सपोजर टू द टेस्ट मटेरियल एंड द ऑटोप्सी, मीन्स जब आपने अपनी मेडिकेशन जो अपनी हर्ब्स है जो अपनी ड्रग है उसको दी है उसके 48 घंटे के अंदर लास्ट एक्सपोजर के अंदर जो लास्ट ड्रग दी है, मतलब अगर आपको कहा गया कि जैसे इसके अंदर कहा गया कि 30 डेज का और या 90 डेज के अंदर आपको वो टॉक्सिसिटी चेक करनी है, तो उसके अंदर जब आप लास्ट डोज दे रहे हो उसके 48 आवर के अंदर आपको ये ब्लड बायोकेमिस्ट्री से भी चेक करनी चाहिए, ठीक है। सो जो उसमें दिए हुए हैं कि यूरिन क्वालिटी में क्या क्या चेक करना है, जनरल पैरामीटर में क्या क्या चेक करना है, लीवर फंक्शनिंग टेस्ट है जैसे सीरम एल्केलाइन है, फास्फाटेज है, बिलीरुबिन है, एसजीओटी, एसजीपीटी, एएसटी, फिर रीनल फंक्शन टेस्ट लाइक ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, लिपिड प्रोफाइल लाइक सीरम कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, ट्राइग्लिसरीड, और इलेक्ट्रोलाइट चेक, सीरम सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक। इन एडिशन इसके अलावा दीज पैरामीटर मस्ट बी एस्टिमेटेड इन रिकवरी ग्रुप ऑफ एनिमल बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जो आपका ग्रुप है पोस्ट रिकवरी ग्रुप है जो आपका एनिमल का, उसके अंदर उस टाइम पीरियड के अंदर भी इन पैरामीटर को आप एस्टिमेटली चेक कर सकते हैं। जैसे जैसे सपोज ये सारे टेस्ट आपने एट द स्टार्टिंग भी ले लिए क्लिनिकल, उसके बाद आपने अपनी मेडिकेशन दी और मेडिकेशन देने के बाद जो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद या जब आप अपनी मेडिकेशन के टाइम को एंड करने जा रहे हैं मीन्स विद इन 48 आवर के अंदर आपने इसको दिया और उसको देने के बाद आपका एक्सपेरिमेंट फिनिश हो गया, मीन्स जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड का आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया। उसके बाद आपने एक रिकवरी चलाया, रिकवरी पीरियड की जो एनिमल है इतने 14 या 15 या 18 दिन के बाद वो अपने क्या जो मेडिकेशन है वो यूरिनेशन या अलग प्रोसीजर के थ्रू उनकी बॉडी से निकल गई है, तो क्या इनकी बॉडी जनरली अपने अंदर रिकवर कर रही है, तो उस समय भी ये सारे पैरामीटर चेक करने चाहिए। इससे आपके पास एक कंक्लूसिव आइडिया आएगा, उस कंक्लूसिव आइडिया के आधार पर ही हम टॉक्सिसिटी प्रोफाइल को बहुत अच्छी तरह से वाया प्रिंसिपली और एक वाया ऑथेंटिकेटेड वे के अंदर हम इसको मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, इसके अंदर सेम वही है कि सैंपल लिया जाना चाहिए विद इन 48 आवर ऑफ लास्ट एक्सपोजर टू टेस्ट मटेरियल एंड बिफोर ऑटोप्सी। तो क्लिनिकल हिमेटोलॉजी के अंदर आपको हीमोग्लोबिन चेक करना है, HbHgB, टोटल रेड RBC काउंट क्या है, HCT क्या है, रेटिकुलोसाइट काउंट करना है, टोटल WBC, ओके, डिफरेंशियल WBC, प्लेटलेट काउंट्स, टर्मिनल बोन मैरो एग्जामिनेशन ESR एंड जनरल ब्लड पिक्चर, स्पेशल मेंशन ऑफ द एबनॉर्मल एंड द इम्यूट सेल शुड बी मेड। ये सारे पैरामीटर्स आपको अपने टेस्ट रिपोर्ट के अंदर शो करने पड़ेंगे ताकि उन रिजल्ट्स के बेस पे हम कुछ जो टेस्ट के लिए जो ड्रग्स के बारे में उसके बारे में टॉक्सिकोलॉजिकली डाटा जो है उसके बारे में कंक्लूजन ड्रग्स के लिए निकाला जा सके। अदर फंक्शनल टेस्ट भी इसके अंदर दिए हुए हैं, इफ़ अप्रोप्रिएट अगर पॉसिबल है तो ECG, विजुअल एंड ऑडिटरी टेस्ट भी परफॉर्म किया जा सकता है। रोडेंट के लिए ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जाना चाहिए स्पेसिफिक नंबर ऑफ एनिमल के साथ,
जो भी ग्रुप आपने उसके अंदर चूज़ किया है, जबकि नॉन रेडेंट के लिए जो है वो एग्जामिनेशन सभी एनिमल्स के ऊपर किया जाना चाहिए ड्रग को स्टार्ट करने से पहले, और जब आप ड्रग कर चुके हों तो दे चुके हों तो उसके पीरियड के मतलब टोटल टाइम पीरियड के बीच के अंदर। नेक्रोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन ऑफ द ऑर्गन एंड द टिश्यू इन ऑल ग्रुप एनिमल विद इन 48 आवर ऑफ द लास्ट एक्सपोजर टू टेस्ट मटेरियल शुड बी परफॉर्म होना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो ऑर्गन का वेट भी चेक किया जाना चाहिए। अगर एनिमल एग्जामिनेशन टाइम के पीरियड में मरे पाए जाते हैं उनको तो हर हालत के अंदर उनकी ऑटोप्सी होनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके, जिसके कारण आप किस कारण से उसकी डेथ हुई और क्या नेचर थी, क्या कोई टॉक्सिक चेंज आया उसके अंदर बॉडी ऑर्गन के अंदर उसके बारे में, ताकि आप इमीडिएट कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल सकें। मेटल हैवी मेटल एस्टिमेशन लाइक एस आर्सेनिक जिंक कॉपर PbHgAu ब्लड और टिश्यू होमोजेनेट के अंदर भी हम उसको चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो ESU ड्रग है जिस ड्रग जो मेन इंग्रेडिएंट है, मान लीजिए अगर हम मिनरल ड्रग यूज कर रहे हैं, बस मोर मिनरल ड्रग यूज कर रहे हैं तो मेटल मिनरल ड्रग यूज कर रहे हैं तो उस बेस के अंदर हमें ब्लड के अंदर मेटल का एस्टिमेशन भी जरूर करना चाहिए, ताकि हमें पता चले ब्लड के अंदर एग्जैक्टली कितनी कंसंट्रेशन जो मेटल की है वो आ रही है। क्रॉनिक टॉक्सिसिटी, अगर हम किसी भी टॉक्सिसिटी टेस्ट को 3 महीने से ज़्यादा टाइम पीरियड के अंदर कर रहे हैं तो उसको हम क्रॉनिक टेस्ट की संज्ञा देंगे, और दिस विल बी द अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द लाइफ स्पान इन द लेबोरेटरी। दिस टाइप ऑफ स्टडी शुड बी कंडक्टेड इन ऑल स्पीसीज ऑफ लेबोरेटरी एनिमल एंड इन सम इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट एनिमल्स वाइल्ड एंड डोमेस्टिक। ये जो स्टडीज हैं ये जितने भी प्रकार के लेबोरेटरी एनिमल हैं उनके अंदर, और यहाँ तक कि जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट एनिमल्स हैं जैसे आपके पास ज़्यादातर मंकीज हो गए कहीं जगह पे डॉग, तो वाइल्ड हो डोमेस्टिक हो इकोनॉमिकली हो, तो इसके अंदर एक वाइड रेंज दी हुई है कि इस रेंज के अंदर आप कौन टैक्सेस, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनिमल का जो आपका वैरायटी के ऊपर, वैरायटी मीन्स एनिमल चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो जंगली हो पालतू हो या फिर इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट है, जितनी ज़्यादा जो वैरायटी होगी उतनी ज़्यादा हमें क्रोनिक टॉक्सिसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से मिल पाएगी, क्योंकि दीज आर द 3 इम्पोर्टेंट पैरामीटर, एक्यूट टॉक्सिसिटी सब एक्यूट एज वेल एज क्रोनिक एज वेल एज द क्रोनिक टॉक्सिसिटी, इन 3 पैरामीटर्स को खास तौर से जांच किया जाता है। अब ये एक टाइम पीरियड दे रखा है और उस टाइम पीरियड के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर हम रैट यूज़ कर रहे हैं, माइस यूज़ कर रहे हैं या कुछ और एनिमल यूज़ कर रहे हैं, डॉग यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर कितना समय जो है मैक्सिमम हम स्टडी के लिए ले सकते हैं। सपोज अगर एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी है, अगर हम रैट के अंदर चेक करें तो मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो 2 महीने होना चाहिए। ओके, अगर हम डर्मल मीन्स स्किन टॉक्सिसिटी टेस्ट करना चाहते हैं तो भी मैक्सिमम टाइम 2 मंथ। अगर हम इरिटेसी स्टडी करना चाह रहे हैं स्किन की रैबिट में, देन इट विल आल्सो टेक 2 मंथ। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द ओरल टॉक्सिसिटी एक्यूट टेक 2 मंथ। तो मोस्टली इफ यू आर लुकिंग फॉर द एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज यू कैन सी दैट मैक्सिमम ड्यूरेशन टाइम इज द 5। सिमिलरली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द सब क्रॉनिक टॉक्सिसिटी स्टडीज, अगर हम सब क्रॉनिक टॉक्सिसिटी स्टडी को देखते हैं तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है चाहे वो डॉग के अंदर हो, रैबिट के अंदर हो, रैट के अंदर हो, लगभग करके 5 मिनट, और क्रॉनिक टॉक्सिसिटी स्टडी के अंदर जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है रैट के अंदर हो, लगभग करके 7 महीने। अब हम डिस्कस करेंगे द CDS को गाइडलाइन। वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर जो गाइडलाइन का टर्म्स है मीन्स जो गाइडलाइंस दी जाती है इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाती है और वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ गाइडलाइंस देती है फॉर द वेलविशिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन काइंड के लिए अलग अलग एस्पेक्ट में। तो सेम हमारे यहाँ ड्रग से डील करने के लिए ड्रग मटीरियल चाहे वो
क्लिनिकल रिसर्च में आ रहा हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो चीज़ें आ रही है, तो उसके अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है, जो इंडियन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज कॉल्ड एज सिटको, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इस सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 2011 के अंदर अपनी सेफ्टी एस्पेक्ट्स क्लिनिकल ट्रायल्स और उससे रिलेटेड गाइडलाइन दी, और दीज गाइडलाइन आर अप्लाई टू द अप्रूवल ऑफ क्लिनिकल ट्रायल एंड द अप्रूवल ऑफ द मैन्युफैक्चर इम्पोर्ट फॉर मार्केटिंग ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ इन द फॉर्म ऑफ एपीआई। इस गाइडलाइन के अंदर जो एरिया दिया गया वो क्लिनिकल ट्रायल को अप्रूव करने के लिए अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, किसी भी नई ड्रग जो किसी भी वैरायटी की हो, चाहे वो डोसेज फॉर्म के अंदर हो, वैक्सीनेशन फॉर्म के अंदर हो, एंटीवायरल के अंदर हो, उसकी मार्केटिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसको इंपोर्ट करना और ड्रग की जो एग्जैक्ट एपीआई मींस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन ग्रेडिएंट फॉर्म या फिर फॉर्मुलेशन फॉर्म, जो भी एज पर रूल 1-2 ई ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स में मेंशन की गई है, ये गाइडलाइन उन सबके लिए उपयोग है और प्रयोग की जाएगी। ये गाइडलाइन जो है, दिस विल आल्सो डिस्क्राइब अबाउट द रिक्वायरमेंट फॉर द अप्रूवल ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल एज वेल एज न्यू फॉर विद द न्यू ड्रग एंड द प्रोसीजर फॉर द रिव्यू ऑफ द टेक्निकल डोजियर ऑफ द सच एप्लीकेशन। मीन्स ये गाइडलाइन हमें इस चीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है कि क्लिनिकल ट्रायल के अप्रूवल के लिए आपको किस किस चीज़ की जरूरत है, न्यू ड्रग के अंदर आपको किस चीज़ की जरूरत है, न्यू ड्रग क्लिनिकल रिसर्च के लिए आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता है। तो इसके अंदर अलग अलग इन्होंने रूल मेंशन कर रखे हैं, लाइक रूल 1-2A, 1-2B, 1-2DA, 1-2DAA, 1-2EN, शेड्यूल वाई ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स के अंदर, अलग अलग रूल के अंदर इन्होंने इसके रिव्यू करने के लिए उसके बारे में क्या क्या चीज़ चाहिए उसके बारे में टेक्निकल डोजर जो है गाइड के रूप में इसको दे रखा है। लेकिन प्लीज नोट दैट दीज गाइडलाइन डज नॉट अप्लाई टू द बायोलॉजिकल एंड द वैक्सीन। ये जो गाइडलाइन CDS को की है क्लिनिकल, ये बायोलॉजिकली और वैक्सीन के बारे में बिल्कुल भी यूज नहीं करी जाएगी। अब इसके अंदर इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन मांगी है कि क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है, कौन कौन सा डाटा रिक्वायर्ड है जब आप किसी भी क्लिनिकल ट्रायल को अप्रूवल मांगने के लिए या उसको किसी भी ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल को अप्रूव कराने के लिए आप अप्लाई करते हो। ऐसे हम सब लोग जानते हैं कि ड्रग डिस्कवरी के अंदर चार फेस मेंशन किए जाते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, और हर फेज के अंदर अलग अलग डाटा की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट द्वारा मांगी जाती है कि जब आप इस फेज के अंदर इस फेज के अकॉर्डिंग क्लिनिकल ट्रायल करोगे किसी नई ड्रग का, किसी नॉन ड्रग के अलग सिम्टोमेटिक फंक्शंस को चेक करने के लिए, इसके अंदर अलग अलग फेज के अंदर अलग अलग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड की गई है, मांगी गई है। तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप, मतलब मीन्स 1 by 1 हम इसको आगे देखेंगे। तो इन दिस केस अगर हम किसी न्यू ड्रग डिस्कवरी न्यू ड्रग्स को किसी ड्रग के मॉलिक्यूल को सब्सटेंस को इंडिया में डिस्कवर जो हमने किया है और हम उसको के लिए जो क्लिनिकल ट्रायल रिक्वायर्ड कर रहे हैं फेज 1 से लेकर, तो उस चीज़ के लिए जो रिक्वायरमेंट रखी गई है उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि फर्स्टली आपको बता दूं कि जो फेज 1 ट्रायल है इसके अंदर आमतौर पर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं साइड इफेक्ट्स की। हेल्दी पीपल्स को वो न्यू ड्रग या ड्रग फॉर्मुलेशन दिया जाता है, उसके बाद चेक करते हैं कि व्हाट इज़ द बायोलॉजिकली चेंज हैपनिंग इन द ह्यूमन, कि उनके अंदर क्या क्या बायोलॉजिकली चेंज और एक हेल्दी पीपल के अंदर, ताकि हमें पता चले कि एक स्वस्थ व्यक्ति अगर उस दवाई को ले लेता है तो उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, किस किस तरह के साइड इफेक्ट वो उसके में शो करता है। तो उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल के लिए आपको यूजली आपके पास जो है इट शुड बी डन बाई द इन्वेस्टिगेटर दैट ट्रेन इन द क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। मीन्स इन्वेस्टिगेटर जो होगा क्लिनिकल
फेस वन के ट्रायल के लिए, तो उसके अंदर द पर्सन शुड बी ट्रेंड इन द क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, के अंदर ट्रेंड पर्सन चाहिए, एंड इट शुड हैव द नेसेसरी फैसिलिटीज टू क्लोजली ऑब्जर्व एंड मोनिटर द सब्जेक्ट। उसके पास सारी जो फैसिलिटी रिक्वायर्ड है अपनी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के लिए, वो सब उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, दिस टाइप ऑफ फेस ट्रायल कैन बी अकर इन कैन बी डन वन और टू सेंटर, एंड एक या दो सेंटर के अंदर इस तरह का ट्रायल किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही सेंटर पर होगा, और एटलीस्ट टू सब्जेक्ट शुड बी यूज्ड और ईच डोज, एक डोज के ऊपर एटलीस्ट कम से कम दो सब्जेक्ट आपको उसके अंदर यूज करे जाना चाहिए। फेस टू क्लिनिकल ट्रायल जो है वो 10 से 12 पेशेंट्स के ऊपर एक डोज लेवल के ऊपर 10 से 12 पेशेंट्स को दी जानी चाहिए, एंड ये जो स्टडी है वो 3 से 4 सेंटर में की जा सकती है, और इन्वेस्टिगेटर जो होना चाहिए दैट शुड बी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एक्सपर्टाइज, और देयर मस्ट हैव द एडुक्वेट फैसिलिटी। पहले के अंदर क्या था, नेसेसरी जो रिक्वायर्ड है, इसके अंदर बहुत पर्याप्त मात्रा में पहले से काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर चाहिए, ताकि हम ड्रग की एफिकेसी क्या है और उसकी सेफ्टी क्या है उसको अच्छी तरह से जांच कर सकें। अगर ड्रग किसी दूसरे देश के अंदर पहले बिक रही है या फिर वहाँ अप्रूव्ड हो चुकी है, तो उसके लिए भी कहा गया है कि जो फेज 3 का डाटा है दैट शुड बी ऑब्टेन एटलीस्ट ऑन द 100 पेशेंट। इंडिया के बारे में बात हो रही है, फॉरेन के बारे में, वहाँ पर जो पेशेंट रेट जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जितने ज़्यादा पेशेंट नंबर होंगे उतना ही उसी के हिसाब से वो डाटा के अंदर क्लैरिटी होगी। लेकिन इंडिया के अंदर CDS CO ने जो अपनी गाइडलाइन दी है उसके अकॉर्डिंग जो अगर हम फेज थ्री क्लिनिकल स्टडी करना चाहते हैं ऐसी ड्रग की जो दूसरी कंट्री के अंदर पहले बिक रही है या अप्रूव्ड हो रखी है, तो हमें कम से कम 100 पेशेंट के ऊपर 3 से 4 सेंटरों के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि इसकी एफिकेसी और सेफ्टी हमें इंडियन पेशेंट में पता लग सके। क्योंकि जेनेटिक जो मॉडिफिकेशन है, जेनेटिक चेंज है, एशियन का जेनेटिक चेंज अलग है, ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन का अलग है, तो जेनेटिकली ड्रग का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको भी चेक किया जा सके। अगर ड्रग इंडिया के अंदर ही डिस्कवर की है और कहीं पर भी वो ड्रग मार्केटिंग में नहीं आई है, तो आपको जो डाटा जो फेस 3 डाटा है दैट शुड बी ऑब्टेन्ड एटलीस्ट फ्रॉम द 500 पेशेंट। अभी देखिए, अगर दूसरी कंट्री में है और हम फेस 3 डाटा अपने देश में करना चाह रहे हैं, तो 100 पेशेंट मिनिमम होने चाहिए। लेकिन अगर वो ड्रग हमारे देश में ही विकसित हुई है, बनी है, और हम फेस 3 डाटा में करना चाह रहे हैं, तो और उसके बारे में कहीं और पर वो अप्रूव नहीं है, तो कम से कम हमें 500 पेशेंट के ऊपर वो डाटा चेक करना होगा और 10 से 15 सेंटर बनाने होंगे। तो फेस फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अगर हम देखेंगे, तो हमें सिस्टमेटिकली टॉक्सिसिटी स्टडी चाहिए, जो इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है। सिंगल डोज टॉक्सिसिटी स्टडीज क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। डोज रेंजिंग कि कितनी डोज कितने समय पीरियड के बाद दी जानी चाहिए उसके बारे में। रिपीट डोज सिस्टमेटिक टॉक्सिसिटी स्टडीज, एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम के समय में जो सिस्टमेटिक टॉक्सिसिटी स्टडीज है उसकी इंफॉर्मेशन। टॉक्सिसिटी मीन्स ऐसा नहीं है कि वो किसको किल कर रही, टॉक्सिसिटी मीन्स टॉक्सिक इफेक्ट दे रही है, और टॉक्सिक इफेक्ट ऐसे जैसे एनिमल्स के अंदर हमने देखा लीथल डोज है, तो उसके अंदर क्या था कि एनिमल मर गए 50% उसको चेक करते हैं कितनी डोज के अंदर। तो यहाँ पर जब ह्यूमन के साथ ऐसा नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम क्या करें, कुछ सिम्टम हैं उन स्पेसिफिक सिम्टम को स्टडी करते हैं कि कितना उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, और वो साइड इफेक्ट्स बेस्ड जिसको हम कहते हैं कि साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो इसको भी टॉक्सिसिटी के पैरामीटर में काउंट किया जाता है। लेकिन कोई सी भी ड्रग सबसे पहले एनिमल मॉडल के ऊपर सेफली आनी चाहिए। देन वी विल लुक ऑन द मेल फर्टिलिटी की टेस्ट करना है। इन विट्रो जीनोटॉक्सिसिटी स्टडी क्या है उसको देखना चाहिए। जेनेटिकली मैंने आपको बताया था जेनेटिक जीन तो नहीं ला रही। तत्पश्चात
एलर्जीनिसिटी क्या है, एलर्जी तो नहीं कर रही है, हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं है, तो फोटो एलर्जी, डर्मल फोटो एलर्जी टेस्ट, ये सारे टेस्ट जो हैं, जो सारा जब आप फेस वन क्लिनिकल ट्रायल करेंगे तो इस सब का डाटा आपको जनरेट करना और उसको डॉक्यूमेंटेड करना, ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन है। जब किसी भी ड्रग को आप फेस वन क्लिनिकल ट्रायल में इंडिया में करेंगे तो ये डाटा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जब हम फेस सेकेंड क्लिनिकल ट्रायल की बात करेंगे तो आप देखिए फेज वन के अंदर पेशेंट कम होते हैं, फेज टू में ज़्यादा, फेज थ्री में उससे ज़्यादा। तो फेज वन क्लिनिकल ट्रायल के अंदर हमारे पास जो भी नॉन क्लिनिकल सेफ्टी डाटा है, मीन्स इन वीवो स्टडी एनिमल और उसकी समरी आपके पास होनी चाहिए। रिपीट डोज सिस्टमेटिक टॉक्सिसिटी स्टडी एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर वो आपके पास होनी चाहिए। इन विवो जीनोम टॉक्सिसिटी टेस्ट जो है उसका डाटा आना चाहिए। और सेगमेंट सेकंड में रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंटल टॉक्सिसिटी स्टडी, अगर फीमेल पेशेंट है और चाइल्ड बिल्डिंग एज के अंदर है गोइंग टू इन्वॉल्व हो रही है, उसकी भी डेवलपमेंटल टॉक्सिसिटी जो स्टडी है उसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन थ्रू एक्सपेरिमेंट थ्रू इंस्ट्रूमेंट आपको चेक करके रिपोर्ट करनी हो। फेज थ्री क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर जो जिसमें जो पेशेंट की स्ट्रेंथ है, जो नंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसके अंदर भी प्रीवियसली जैसा बताया गया रिपीट डोज सिस्टमेटिक टॉक्सिसिटी, रिप्रोडक्टिव और डेवलपमेंटल टॉक्सिसिटी स्टडी, सेगमेंट फर्स्ट अगर फीमेल पेशेंट है और जो इन्वॉल्व होने जा रही है द फीमेल पेशेंट ऑफ चाइल्ड बीरिंग एज, जो उसकी सामने जो उम्र होती है लाइक एज 20 to 35 और 40 वट एवर इज इट योर, सो उसके अंदर वो उसको दो सेगमेंट के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो वो द उन फीमेल पेशेंट्स को जो चाइल्ड बीरिंग एज के अंदर है, उसके बाद सेगमेंट टू फॉर दोज प्रेगनेंट और द नर्सिंग मदर हु आर इंडिकेटिव पॉसिबल एज वेल रिस्पेक्ट इन द फिटल डेवलपमेंट, मीन्स आप प्रेगनेंट और नर्सिंग मदर को दे रहे हैं उस सेगमेंट में, या फिर वो जिनके अंदर फेटल डेवलपमेंट के पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट साथ दे रहे हैं, तो इसको दो सेगमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर कार्सिनोजेनिक स्टडीज कर सकते हैं, अगर ड्रग को 6 महीने से ज़्यादा टाइम के अंदर यूज हो जाता हो, आप उस कार्सिनोजेनिक सिटी स्टडी मतलब उसका डाटा, कार्सिनोजेनिक डाटा जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो फेज थ्री के अंदर हम देखेंगे फेज थ्री, फेज टू और फेज थ्री में सिमिलैरिटीज है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सेगमेंट में डिफाइन कर दिया सेगमेंट वन और सेगमेंट टू, और उसके अलावा उसके बाद कार्सिनोजेनिसिटी स्टडी को भी काउंट किया गया। हम बात करते हैं गाइडलाइन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट रूल 170 दैट दे मेंशन इन दिसंबर 2008 टू इवैल्यूएट एएसयू ड्रग एंड द अदर ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑफ द इंडिया। ये भारत के अंदर पहले ही आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि हम आयुर्वेदा से संबंधित हैं और उससे संबंधित स्टडी मतलब पढ़ाई भी करी, एजुकेशन भी ली और आगे भी कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं। तो रूल 170 स्पेसिफिकली जो भी एएसयू ड्रग है, आयुर्वेदिक सिद्धा, यूनानी या सोवारिक्पा, तो या फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उसके लिए भी इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली गाइडलाइन, और वो गाइडलाइन जो थी वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो रूल है 1945 का उसके अंदर मॉडिफाइड करी गई। 2008 में आई थिंक उसका मेजर मॉडिफिकेशन पहले किया गया, और उसका जो एम था वो एम था कि टू डेवलप मेथोडोलॉजी रिकॉर्ड के लिए या इवेल्यूएट करने के लिए आप मेथोडोलॉजी को डेवलप करें, हर्बल ड्रग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, रिसर्च की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इवेल्युएशन मेथड, ऐसे अप्रोप्रिएट इवेल्युएशन मेथड को विकसित करें ताकि वो रेगुलेशन और रजिस्ट्रेशन में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकें जब हम एएसयू और अदर ट्रेडिशनल मेडिसिन को रजिस्ट्रेशन में लेकर आने की कोशिश करें तब। और तब ये रूल 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मॉडिफाई किया और
ये जो गाइडलाइन है इसका ज़्यादातर जो मुख्य रूल है, इट्स प्रोवाइड ए रेफरेंस सोर्स फॉर द रिसर्च साइंटिस्ट। एक रेफरेंस सोर्स की तरह साइंटिस्टों के बीच में रजिस्टर्ड जो मेडिकल फंक्शनरी है, एसीयू ड्रग मैन्युफैक्चरर और हेल्थ अथॉरिटी, उनको एक स्पेसिफिक एक इंफॉर्मेशन दे सके कि इस गाइडलाइन के थ्रू आपको फर्दर रिसर्च करनी है या मैन्युफैक्चरिंग करनी है ट्रेडिशनल और आयुर्वेदिक ड्रग्स या फिर एसीयू ड्रग्स के साथ। आप एएससी जो अदर ड्रग्स हैं जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इनको इन कैटेगरी के अंदर फोर कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है एज पर रूल 170। फर्स्ट इज द एएससी ड्रग, आयुर्वेदिक सीधा यूनानी ड्रग्स है जो क्लासिकल फार्मूलेशन है। दूसरी पेटेंट और प्रोप्रेटरी ऐसे जो एएससी ड्रग जो पेटेंटेड हो चुकी है। नंबर थ्री, इंडियन इथनोमेडिक मेडिसिन बेस्ड ड्रग नोट कवर्ड अंदर फर्स्ट और सेकेंड, मतलब इथनो मेडिसिन है भारतीय श्रेणी की है लेकिन फर्स्ट और सेकेंड क्लास में अभी तक कवर नहीं हुई। फोर्थ नंबर पर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द मेडिसिनल प्लांट ऑफ इंडिया बेस्ड मेडिसिन, मीन्स जो मेडिसिनल प्लांट है इंडिया में बहुत सारे मेडिसिनल जो प्रॉपर्टी शो करते हैं और बहुत ऐसे जो आयुर्वेद के अंदर भी जिनको बारे में जो कुछ स्पेसिस जो नई नई रिसर्च उसमें नहीं बताएगा, तो उनका जो एक्सट्रैक्ट है उनको बेस कर जो मेडिसिन मतलब उनके बेस्ड उनके ऊपर आधारित होके एक्सट्रैक्ट को कंबाइन करके या फिर उसकी थेरेप्यूटिक वैल्यू बायोलॉजिकल वैल्यू वैल्यूएट करके जो उनका एक्सट्रैक्ट को कंबाइन करके मेडिसिन बनाई जाए, तो चौथी कैटेगरी इसके अंदर आती है वो। उसके बाद इन्होंने एक कैटेगराइज के बेस पर किया कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, मतलब चार कैटेगरी हैं। इस चार कैटेगरी के अंदर आपको देंगे कि आप मान लो सब केस आप इवैल्यूएशन करना चाहते हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता है, आपको सेफ्टी डाटा की जरूरत है या नहीं है आपको, तो इसके अंदर कैटेगरी करेगी। जैसे अगर हम एएससी की ड्रग करें तो एएससी ड्रग को दो कैटेगरी में डिफाइन किया, फर्स्ट इन अकॉर्डेंस विद द क्लासिक में जो क्लासिकल ड्रग्स हैं, दूसरा ऐसी क्लासिकल ड्रग्स जो किसी अदर उपचार के अंदर भी चेक करी गई और उनकी वैल्यू, मतलब मान लीजिए एक ड्रग है जो सपोज बुखार में प्रयुक्त हो रही है और हम उसको वायरल में यूज़ करना चाहते हैं, तो मीन्स वो अलग अलग इंडिकेशन के लिए हम उसको चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो फर्स्ट बी है वो कैटेगरी है आपकी, फर्स्ट बी कैटेगरी है आपकी फॉर द न्यू इंडिकेशन। तो इसके अंदर इन्ग्रेडियंट की इंफॉर्मेशन जो भी टेक्स्ट में लिखे है उसके अनुसार, इंडिकेशन क्या है जो टेक्स्ट में पहले मेंशन किया हुआ है क्लासिकली लिटरेचर में से काम, उसके अनुसार सेफ्टी डाटा की हमें एनआर मीन्स नो रिक्वायर्ड कोई जरूरत नहीं है, मतलब क्लिनिकली ऐसी ड्रग को वैलिडेट कंसेप्ट के अंदर रीवैल्यूएट करना चाह रहे हैं कि वुमन में क्या इफेक्ट है बच्चों में क्या इफेक्ट है उसको एक डॉक्यूमेंटेड वे के अंदर चेक करना चाह रहे हैं, तो इसमें सेफ्टी डाटा की कोई आवश्यकता नहीं। एक्सपीरियंस ऑब्लिक एविडेंस ऑफ एफिकेसी के लिए आपको जो चीज़ शो करनी पड़ेगी जब आप क्लिनिकल इवेल्युएशन के लिए अप्लाई करेंगे तो पब्लिश लिटरेचर आपको रिक्वायर्ड है, आपको जरूरत है, आपको देना पड़ेगा। फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल की आपको आवश्यकता नहीं है और क्लिनिकल इवेल्युएशन तो करने जा रहे तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है, केवल आवश्यकता क्या है पब्लिश लिटरेचर के पहले लिटरेचर से उसके अंदर उसका वर्णन कहाँ किस रूप में किया गया है। अब हम सेकंड जो कैटेगरी है जिसको पेटेंट और प्रोप्रायटरी ड्रग बोला गया, तो उसकी अगर हम बात करें तो उसको भी इन्होंने तीन से चार कैटेगरी में बांटा हुआ है, शायद तीन कैटेगरी में बांटा हुआ है, हाँ तीन कैटेगरी में बांटा हुआ है सेकंड पार्ट को। और तो तीन कैटेगरी में एक वो है ड्रग्स विद द इंग्रेडिएंट ऑफ द फॉर्मुलेशन एज डिफाइंड अंडर प्रोप्रायटरी मेडिसिन, मीन्स ड्रग्स जिसमें इंग्रेडिएंट के बारे में अच्छी तरह से डिफाइन किया जाए। दूसरा वो ड्रग विद इंग्रेडिएंट ऑफ द शेड्यूल ई, जो शेड्यूल ई के अंदर मेंशन की गई है उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट है। तीसरा जिसके अंदर ड्रग के मटेरियल तो सही है लेकिन कंपोजिशन चेंज है, मान लीजिए कंपोजिशन मीन एक ड्रग है जिसके अंदर पाँच हफ मिलाई गई और अब उसके अंदर कंपोजिशन जो है अलग अलग कर दिया, कोई 20% कोई 30 कोई 40 कोई 10 कोई 20 15, तो इस तरह से अलग अलग कंपोजिशन चेंज कर दिया, डोज चेंज कर दी, जैसे
पहले वो सॉलिड में ले रहे थे टेबलेट में, उसे लिक्विड में कर दिया, आसम में ले रहे थे आश्रय में, मतलब अलग अलग हो। और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस के ऊपर, मीन पहले मुंह से ले रहे थे आप चाहे स्किन के ऊपर, मतलब अलग अलग एप्लीकेबिलिटी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। तो ये जो कैटेगरीज दी गई आप इसके अंदर देखा जाएगा कि अगर इंग्रेडिएंट है जो टेक्स्ट में लिखा है मेंशन किया जाएगा, इंडिकेशन भी फर्स्ट केस के अंदर टेक्सचुअल रेशनल, और इसके अंदर आपको जो सेकंड बी इंग्रेडिएंट इसके अंदर आपको इंडिकेशन न्यू इंडिकेशन मेंशन करना पड़ेगा। इन केसों के अंदर जो पहला केस है जिसमें ड्रग विद द इंग्रेडिएंट ऑफ फार्मूलेशन, यहाँ पर आपको सेफ्टी डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको इनग्रेडिएंट बेस के ऊपर ही इसको आगे में डिफाइन करना पड़ेगा। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की रिक्वायर्ड है, क्लिनिकल इवैल्यूएशन आपको जरूरी है इसके बारे में देने, और इसके अंदर भी आई आर मीन्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, यहाँ पर इंफॉर्मेशन इनिशियली रिक्वायर्ड है, आई आर मीन्स इनिशियली रिक्वायर्ड। उसके बाद आप दूसरा केस देखेंगे इंग्रेडिएंट ऑफ शेड्यूल ई, तो यहाँ पर हर चीज रिक्वायर्ड है, इवन दो सेफ्टी डाटा भी रिक्वायर्ड है। थर्ड केस जिसमें आप कंपोजिशन चेंज करें तो आपको सेफ्टी डाटा जरूरी है, उसकी इंफॉर्मेशन जरूरी देनी पड़ेगी अगर आप उसको क्लिनिकल रिसर्च के अंदर लेके जाना चाहते हैं। बाकी जो फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल और क्लिनिकल वेरिएशन इसके अंदर रिक्वायर्ड है, तो आई एम मीन्स इनिशियली रिक्वायर्ड मीन्स इफ रिक्वायर्ड वो इसकी। थर्ड, इंडियन इथनो मेडिसिन बेस्ड ड्रग नोट कवर्ड अंदर, जो फर्स्ट और सेकंड के अंदर कवर नहीं गई, थर्ड क्लास कैटेगरी है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रैक्टिस में जो यूज हो रही है इनग्रेडियंट वो इंडिकेशन जैसे यूज़ किया जा रहा है उसके बारे में इंडिकेशन की इंफॉर्मेशन, इसमें सेफ्टी डाटा रिक्वायर्ड है, और पब्लिश डाटा अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, लेकिन फार्माकोलॉजिकल और क्लिनिकल इवैल्यूएशन वाला डाटा ये आपको देना पड़ेगा। लास्ट वन है आपका मेडिसिन बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट ऑफ द मेडिसिनल प्लांट होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है, मतलब अगर हम न्यू ड्रग डिस्कवरी की बात करें हर्बल प्रोटेक्ट्स की सकते, तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले करने वाली ड्रग्स क्लासिकल तो है ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें जिस जिस तरह से नए नए सिम्टम नए नए तरह की डिसीज हाउ लक्षणों के आधार पर है, ठीक है मेंशन किया हुआ है हमारे आयुर्वेदिक लिटरेचर के अंदर नए नए जैसे, लेकिन रेसिस्टेंट स्ट्रेन आ गया तो रेसिस्टेंट स्ट्रेन जैसे अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें ठीक है मेंशन किया हुआ है, टीबी है मेंशन किया है राज्य लक्षण के रूप में, लेकिन अब टीबी के अंदर जो मेडिकेशन पहले यूज हो रही थी अगर वो इफेक्टिवनेस के साथ काम करना बंद कर दे मीन्स रेसिस्टेंट हो गया वो स्ट्रेन तब, तो वहाँ पर ऐसी ऐसी जगह मतलब ऐसे ऐसे केसेस के अंदर हमें तब इस तरह की मेडिकेशन की सबसे ज़्यादा रिसर्च की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो यहाँ पर इन्होंने तीन पार्ट्स में बांट दिया, ए एक्वस और ए वन एक्वस, दोनों में अंतर क्या है, दोनों के अंदर है कि एज पर टेक्स्ट दोनों की वैल्यू, और एक में न्यू इंडिकेशन शो कर रहा है, न्यू है मतलब जिसमें इंडिकेशन नया देखना है न्यू इंडिकेशन उसके बारे में न्यू है चेक करना है उसके बारे में बताना पड़ेगा, और दूसरे में एज पर टेक्स्ट पहले लिखा हुआ है। तो इन दोनों केसेस में जहां पर हम एक्वस पार्ट की बात कर रहे हैं वहां पर सेफ्टी डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदर इंफॉर्मेशन पब्लिश लिटरेचर फार्माकोलॉजिकल क्लिनिकल इवैल्यूएशन, फर्स्ट केस दोनों के अंदर फर्स्ट में रिक्वायर्ड है, बाकी इफ जरूरत पड़ी आई आर मीन्स इफ रिक्वायर्ड है तो फर्स्ट केस एक्वस, ये ए केस यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन ये हमें चाहिए। इवन केस जहाँ पर न्यू इंडिकेशन है वहाँ पर आपको एवरीथिंग इज नीड टू बी गिवन मीन्स वो उसकी इंफॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड होती है। हाइड्रो इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट इसके अंदर इंग्रेडिएंट जो स्पेसिफाइड किए स्पेसिफिक, तो ऐसे हाइड्रोइथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट या मेडिसिन जो इसके ऊपर है इसकी हमें सेफ्टी डाटा हमें रिक्वायर्ड होगा, मीन्स एज पर गाइडलाइन वी शुड प्रोवाइड और द मेडिसिन मस्ट हैव द सेफ्टी डाटा और वी नीड टू जनरेट दैट सेफ्टी डाटा, बाकी केसेस के अंदर रिक्वायर्ड है। उसके अलावा ऐसा कुछ
जो ए ए वन और बी नहीं है, देन वी कैन सी ऑन ऑल्सो ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन वायर. इन एडिशन टू दिस गजट के अंदर और सारी इंफॉर्मेशन भी दी गई है, ये कि आपको ये डाटा भी प्रोवाइड करना होगा, जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन इंफॉर्मेशन फार्मुलेशन की, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, सेफ्टी डाटा, इन्वेस्टिगेटर का ब्रोशर, उसके प्रोटोकॉल्स, केस रिपोर्ट फॉर्म, पेशेंट इंफॉर्मेशन शीट, इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म, तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करनी होगी. बट एज पर रूल 70 दिस इंफॉर्मेशन